न्यूमेरिकल नहीं आते कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं होता कोई बात नहीं, इसके बाद भी ये टॉपिक नंबर देकर जाएगा और इसके आने के चांसेस इस बार भी बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। तो चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को 10 मिनट के अंदर ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं। इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है यार दोस्तों। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल अपन पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पुराना वाला वीडियो जाके देखो, और ज्यादा मजा आएगा, फील आएगा पढ़ने का। और ये हो गया सरफेस, यानी कि किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ वो सारे पॉइंट्स जो इक्वल पोटेंशियल पर हो उनको ज्वाइन करने पर जो सरफेस बनेगी उस सरफेस को अपन कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी यहां पर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, लाइन्स अंदर की तरफ आ रही थी ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अपन जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ/R। तो अगर KQ/R होता है तो यहां पर R डिस्टेंस पर मैंने कहा पोटेंशियल ले लिया, यहां पर भी R डिस्टेंस पर ले लिया, यहां पर भी R डिस्टेंस पर, यहां पर भी, 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 इन सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो जो सरफेस बनने वाली है वो सरफेस कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि ये अपन 2D में देख रहे हैं इसलिए सर्कल दिख रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ये तो 3D में होगा। 3D में क्या बनेगा, ये एक स्फीयर, मतलब कि किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के चारों तरफ के वो सारे पॉइंट जो इक्वल पोटेंशियल पर हो उनको ज्वाइन करने पर जो सरफेस बनेगी वो सरफेस कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ था। अब बढ़ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, बड़े काम की हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास पास होती थी तो अपन क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और अगर ये दूर दूर है तो अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सेम चीज जैसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ थी वैसी ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ है। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने तुमको दिखाया यहां पर, अभी मैंने यहां पर बनाई थी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अगर आप गौर से देखो तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा सर्कल पर या स्फीयर पर नॉर्मल होती है। तो यहां पर अपने पास ये लाइंस जो हैं ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है। जरूरी नहीं है इसे पॉइंट चार्ज लिया जाए, किसी के लिए भी लो, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ जाओ नेक्स्ट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मान लो भाई आपके पास यहां पर आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, आपके पास ये एक चार्ज है, इसकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है 10 वोल्ट की, मान लेते हैं ये हो गया अपने पास क्यू चार्ज, वैल्यू दी होगी, और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गई आपके पास 5 वोल्ट की। भाई जरूरी नहीं एक ही हो, अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग बनती हैं। तो एक हो गई 5 वोल्ट, एक हो गई 10 वोल्ट। अब ये इंटरसेक्ट अगर कर गई, मान लो कि यहां पर ये ऐसे जाके इंटरसेक्ट कर गई, अब अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 10 वोल्ट बोल रहा है मेरी वैल्यू होगी 10, और ये बोल रहा है 5 होगी वहां पर, तो क्या होगी, 10 होगी कि 5 होगी, क्या होगी? तो इसीलिए अपन नहीं कह सकते, और कह क्या नहीं सकते, हो ही नहीं सकती ना, एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो सकते हैं क्या? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन आप करते हो पर यूनिट चार्ज, उसे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। तो क्या इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में आपको अलग अलग वर्क करने पड़ेंगे? नहीं, वर्क डन सेम करना पड़ेगा, चार्ज भी सेम ला रहे हो तो पोटेंशियल तो एक ही वैल्यू होगा। इसीलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक मार्क के लिए या दो मार्क के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुटेबल है, बहुत पूछा गया है, और इन सबके पापा आ चुके हैं आपके सामने। अब फोर्थ पॉइंट, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कैसे? देखो भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, जब आप एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करोगे तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, तो आपका अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, और अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, शून्य हो गया।
यानी कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सेम पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाऊंगा तो वर्क डन क्या मिलेगा मुझे, वर्क डन मिलेगा मुझे जीरो। हाँ, एक से दूसरे पर जाता तो कुछ मिलता, मगर सेम पर मूव करूंगा तो नहीं मिलेगा। तो फोर पॉइंट्स से सबसे पहला, जितने ज्यादा डेंसर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कौन डेंसर होगा? इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है अपन से? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सर्फेस से। तीसरा क्या कह रहा है? दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कर दिया तो उस पॉइंट पर दो पोटेंशियल आएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। चौथी और लास्ट बात जो अपन से कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक ही अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे आप मूव करोगे तो वर्क डन कितना होने वाला है? वर्क डन होने वाला है जीरो। दैट्स इट। अब आ जाओ उन क्वेश्चंस पे जो पेपर में आते हैं। अगर आपसे कोई कहे पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं स्फेरिकल। अभी बताया इसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, और R अगर सेम है तो भैया उस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। सो यहां पर अलग अलग वोल्टेज के लिए, अलग अलग पोटेंशियल के लिए अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी, मगर बनेंगे वो स्फेयर्स। एक पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्विटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल जीरो होता था। अगर याद आए तो हमने वो डेरिवेशन एक बहुत छोटे से वीडियो में किया था। तो अगर ये जीरो है अपने पास तो ये लाइन पर तो हो गया जीरो, और जब आप बात करते हो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर ये लाइन ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह देख रहे हो, बिल्कुल देखो स्फेरिकल बनेंगे बनेंगे, मगर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज के कारण। ये देखो डाइपोल में यहां पर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए अंदर जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं इनके बीच की डिस्टेंस कम है और बाहर ये थोड़ी ज्यादा है। बनेंगे स्फेरिकल सी, मगर थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। डाइपोल के केस में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसीलिए ये पास पास हैं और बाहर ये दूर दूर हैं। खत्म। बिल्कुल सेम कर रहे हैं अपन किसके लिए? दो लाइक चार्जेस के लिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जब अपन लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बाहर क्या होता है? ये भी इसको रिपेल करेगा, अगर कोई चार्ज रखोगे तो ये भी रिपेल कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अंदर ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। भाई तू मेरे पास मत आना, भाई तू मेरे पास मत आना। तो अंदर फील्ड वीक है, तो सेम पॉइंट चार्ज की तरह आपके पास यहां पर भी स्फेरिकल बनेंगे, मगर जब इन दोनों चार्जेस के बीच की बात करोगे तो यहां ये स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, बाहर साइड ये स्पेस थोड़ा सा कम होगा। मतलब कि थोड़ी सी भेंगी टाइप की आंखें बनाने पड़ेंगी आपको, सेंटर थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर पास पास, अंदर थोड़ा दूर दूर, जस्ट उल्टा डाइपोल का। तो मैं कहूंगा डाइपोल याद करो, अगर लाइक चार्जेस आ जाएं तो डाइपोल का उल्टा करना है बस। अब लास्ट पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पैरेलल लाइंस। अभी सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी ऐसी जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन्स, क्योंकि फील्ड लाइन्स तो ये दिख गई तुम्हें, फील्ड लाइन्स तो ये सीधी सीधी जा रही है। अगर सीधी जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो प्लेन्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उसको परपेंडिकुलर कट कौन करेगा? प्लेन ही तो कट करेगा। तो ये दोनों बन गए प्लेन, कहानी खत्म हो गए। तो ये प्लेन्स जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं? ये प्लेन्स अपन को दिखा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ जाओ आगे। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है अ 500 माइक्रो कूलम चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपके पास एक स्क्वायर है और इसके सेंटर में यहां पर 500 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है और हर इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, रख दिया। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स। मतलब कि 10 माइक्रो कूलम के चार्ज को आपको इसके इस पॉइंट ए से उठाकर इसके डायगोनली अपोजिट इस पॉइंट पर लेकर जाना है। अरे भाई मुझसे सी और डी पे भी ले जाते ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस आपकी निकल कर आएगी ये डिस्टेंस सेम होगी दोस्तों, KQ/R। पोटेंशियल क्या होता है अपने पास? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू QVB माइनस VA।
दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी वही है, तो जो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही A पॉइंट का पोटेंशियल होगा, यानी कि VA इज इक्वल टू VB, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लो। वैसे भी डिस्टेंस सेम है पॉइंट चार्ज से, तो ये उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही दो पॉइंट्स बन गए, कहानी खत्म हो गई, हो गया काम। ये लो नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। एक चार्ज है क्यू, इस चार्ज के चारों तरफ एक सर्कुलर आर्क बनी हुई है आपके पास रेडियस आर की, इसमें आप दूसरे चार्ज को घुमा रहे हो, इस चार्ज को घुमा रहे हो, आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर आप याद रखो तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्योंकि आर सेम है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। एमसीक्यूज में आने के चांसेस बहुत 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 है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैंने आपको समझा दिया बहुत ही कम टाइम में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और डरना बिल्कुल नहीं है। मार्क्स क्या, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। और अगर फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाओ फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।